हाय, मेरा नाम अनिल सखाराम कोंडविलकर है। मैं एकेडमी ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में पढ़ चुका हूँ। कुछ शायद से 10 साल या 9 साल हो चुके हैं मुझे वहाँ पे पढ़े हुए हैं। वहाँ के डायरेक्टर हमारे खान सर हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके बारे में कुछ बात कहने के लिए मुझे चुना गया है। अब मैं उनके बारे में क्या बताऊँ, वैसे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में बताने के लिए, लेकिन मेरे लाइफ में उनका क्या काम है, क्या काम था, वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मैं एक हैंडीकैप पर्सन हूँ। अगर देखा जाए तो कुछ साल पहले पढ़ाई के बाद, 10वीं 12वीं के बाद, मैंने कुछ इंटीरियर करूँगा करके ऐसा नहीं सोचा था। हमारा एक NGO है हैंडीकैप बच्चों का, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम कॉर्प। वहाँ पे सर ने मेल किया था कि आपके यहाँ पे अगर कुछ हैंडीकैप बच्चे हो जिन्हें इंटीरियर फैशन डिज़ाइन अगर पढ़ना है तो आप ज़रूर उन्हें यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, उन्हें मैं 50% डिस्काउंट में पढ़ाऊँगा। इसलिए तब फीस इतनी थी कि मैं मतलब इतना नहीं अफोर्ड कर पाता था कि एक साल की फ़ीस मैं भरूं। मेरा 2 साल का डिप्लोमा था जो मैंने किया था वहाँ पे। तब मैंने सबसे पहले तो नेरुल गया। मुझे नेरुल जाना मतलब बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन सर ने 50% डिस्काउंट दिया था तो उसका फ़ायदा तो उठाना था। और इंटीरियर क्या था ये मुझे पता नहीं था, इतना ही पता था कि कुछ डेकोरेशन करते हैं इसलिए। तो फिर मैं नेरुल गया, सर के साथ में हमारी बात हुई तो मैंने कहा कि मैं इंटीरियर डेकोरेशन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे सर ने कहा कि इंटीरियर डेकोरेशन कभी नहीं बोलना, इंटीरियर डिज़ाइनर बोलना। तुम यहाँ पे अगर सीखोगे तुम डेकोरेटिव नहीं होगे, डेकोरेशन नहीं करोगे, तुम डिज़ाइनर होंगे, तुम डिज़ाइन करोगे। इसलिए तब मैंने मतलब 8-9 साल पहले की बात है, मैं एकेडमी ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में ज्वाइन हुआ। वहाँ पे सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया हमें कि इंटीरियर क्या होता है। हमें जब सर सिखाते थे तो हमें ऐसा नहीं लगता था कि सर सिखा रहे हैं, हमें ऐसा लगता था कि हमारा कोई फ्रेंड हमें सिखा रहा है। कि सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमें सिखाया, हमें वो बराबर याद हुआ, प्रैक्टिकली नॉलेज मिला और हम सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं वहाँ पे पढ़ पाए। अगर मैं अभी कहूँ, अभी मुझे 10 साल हो गए हैं, तो इंटीरियर लाइन में मैंने बहुत कुछ अच्छा किया है। मैं अच्छी कंपनी में जॉब करता हूँ, पोजीशन सीनियर इंटीरियर डिज़ाइनर की है, मेरी सैलरी भी अच्छी है। मैंने इंटीरियर के बेसिस पे नया घर लिया है पनवेल में, और मैंने एक छोटी कार भी ली है उसके बेसिस में। तो इसका बहुत महत्व है मेरे लाइफ में इंटीरियर का। अगर देखा जाए तो तीन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। फर्स्ट पर्सन मैं देना चाहूँगा मम्मी डैडी, और सेकंड हमारा जो NGO है कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम कॉर्प उनको, और थर्ड हमारे सर। अगर हमारे सर ने मेल नहीं किया होता हमारे NGO में तो हमारा NGO मुझे नेरुल नहीं भेजता। अगर मैं नेरुल नहीं जाता तो मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बन नहीं पाता। इसलिए अगर मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बन नहीं पाता तो शायद से पता नहीं मैं क्या कर पाता, मुझे ही नहीं पता था। क्योंकि एक हैंडीकैप पर्सन को अभी की लाइफ में जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंटीरियर सीखने के बाद मैं खुद के पैरों पर अभी भी खड़े होने की कोशिश करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं खुद के पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ और आगे जाने की और कुछ पाने की और कुछ मेरे जो सपने हैं वो पूरे करने की। ये सारे सपने मेरे खान सर की वजह से पूरे हुए हैं। और इतना ही नहीं है, मैं एकेडमी से पास आउट होने के बाद मेरे छोटे भाई ने मुझे कहा कि मैं भी इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ।
क्योंकि शायद से उसने मेरी तरक्की देखी होगी कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। मैंने उसको कहा अगर तुझे सीखना है तो बाकी कॉलेज कैसे सिखा दे मुझे पता नहीं, अच्छा ही सिखा दे होंगे, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने मेरे छोटे भाई को कहा कि अगर तुझे सीखना है तो, अगर तुझे अच्छा सीखना है तो नेरुल चल मेरे साथ में, एकेडमी ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में, वहाँ पे तू एक बार जा सर के साथ बात कर और तू तय कर कि तुझे कहाँ सीखना है। हाँ तुझे थोड़ा दूर पड़ेगा, अगर मैं नेरुल जा सकता हूँ तो तू क्यों नहीं जा सकता। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं ज़रूर जाऊँगा। तो उसने भी, मेरे छोटे भाई ने भी एकेडमी ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से, नेरुल से किया है डिप्लोमा इंटीरियर का, उसे भी हमारे सर ने ही गाइड किया है। और अभी मेरा छोटा भाई भी बहुत अच्छी पोजीशन पे है, उसका स्टार्टिंग है फिर भी वो अब बहुत अच्छी पोजीशन पे है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छी खासी सैलरी है उसकी, और उसे भी क्या चाहिए, वो भी खुश है इंटीरियर की फील्ड में आके। अभी हमारे घर में दो दो इंटीरियर डिज़ाइनर हो चुके हैं। इसलिए तो मेरी लाइफ में तो खान सर का बहुत महत्व है और मुझे चुना गया उनके बारे में बात करने के लिए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।